गुड मॉर्निंग स्टूडेंट और नेक्स्ट टॉपिक इज ड्राइव डेटा टाइप देखो बच्चों कल जो हमने किया था डेटा टाइप किया था डेटा टाइप आपकी टू टाइप की होती है फंडामेंटल डेटा टाइप एंड ड्राइव डेटा टाइप कल हम कल वाली वीडियो में हम फंडामेंटल डाटा टाइप कर चुके हैं जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा ड्राइव डाटा टाइप वाट इज ड्राइव डाटा टाइप ड्राइव डाटा टाइप कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द फंडामेंटल टाइप जो ड्राइव डाटा टाइप होती है वो फंडामेंटल टाइप से ही के द्वारा बनाई जाती है जो ड्राइव डाटा टाइप कौन कौन सी होती है एरे फंक्शन पॉइंटर रेफरेंस कॉन्स्टेंट क्लास स्ट्रक्चर यूनियन एंड इनमरेशन ये सारी हमारी क्या हैं ड्राइव डाटा टाइप हैं जो क्या है फंडामेंटल डाटा टाइप के द्वारा ही बनाई जाती है वो क्या कहलाती है आपकी ड्राइव डाटा टाइप अब हम इनमें से एक टाइप को डिस्क्राइब करेंगे सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे एरे व्हाट इज एन एरे एरे रेफर टू नेम्ड लिस्ट एरे किसको रेफर करता है नेम्ड लिस्ट ऑफ ए फाइनाइट नंबर एरे में जो वैल्यू स्टोर होती हैं वो फाइनाइट नंबर स्टोर होते हैं एन ऑफ सिमिलर डाटा एलिमेंट्स कहने का मतलब एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट एरे हम यूज क्यों करते हैं एरे में एक ही सिंगल वेरिएबल में वी कैन स्टोर द मल्टीपल वैल्यू एक सिंगल वेरिएबल में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा सकते हैं सेम टाइप की देखो सबसे पहले हम बात करेंगे एरे का ही यूज हम क्यों करते हैं इससे पहले हम वेरिएबल यूज होता था वेरिएबल में केवल एक टाइम पे हम एक ही वैल्यू स्टोर करा सकते थे अब एक सिंगल वेरिएबल में अगर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करानी हो तो वो वेरिएबल के थ्रू पॉसिबल नहीं है इसलिए हम एरे का यूज करते हैं एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा सकते हैं एरे के थ्रू इट यूजुअली स्टार्ट जीरो वन टू एन माइनस वन जो एरे होता है वो आपका स्टार्ट कहां से होता है जीरो से लेकर एन माइनस वन तक इफ द एरे ऑफ टेन एलिमेंट अगर आपके एरे में टेन एलिमेंट हैं तो अगर आपने एक एरे बनाया जिसका साइज दिया टेन्स तो जो उसके अंदर मेमोरी में रिप्रेजेंट करेगा वो कैसे करेगा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कहां स्टोर होगा ए आर जीरो पर सेकेंड एलिमेंट ए आर वन टू तो ये कहां तक जाएगा एन माइनस वन मतलब टेन एलिमेंट है तो जीरो से कहां तक जाएगा ये नाइन फर्स्ट एलिमेंट जीरो पर स्टोर हो जाएगा सेकेंड एलिमेंट वन पे थर्ड एलिमेंट टू पे और इसी तरह जो दसवा एलिमेंट है वो कहां स्टोर होगा नाइन्थ पोजीशन पे स्टोर होगा अब बात करते हैं हाउ टू डिक्लेयर द एरे एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं पहले टाइप डेटा टाइप एरे नेम साइज पहले फॉर एग्जाम्पल हमने एक एक एग्जाम्पल लिया टाइप लिया इंट एरे का नाम लिया ए आर साइज दिया टेन तो मैक्सिमम हम टेन वैल्यू स्टोर करा सकते हैं इसके अंदर टेन वैल्यू स्टोर करा सकते हैं अब अगर सपोज करो ये कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा ये कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा अगर आपने ये सेम एरे बनाया तो ये मेमोरी कितनी लेगा देखो इंट का साइज होता है टू और एलिमेंट क्या है टेन इंट का साइज कितना होता है इंट कितनी मेमोरी लेता है टू बाइट्स और एलिमेंट कितने ट्वेंटी तो, तो इस एरे के लिए ये ट्वेंटी बाइट मेमोरी एलोकेट कराएगा अब देखो इसमें वैल्यू कैसे हम स्टोर कराते हैं जैसे एरे लिया हमने इंट टाइप क्या लिया इंट एरे का नाम क्या दिया ए आर और उसका साइज क्या दिया टेन तो कहने का मतलब हम कितनी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं मैक्सिमम आप टेन वैल्यू स्टोर करा सकते हैं हमने वैल्यू स्टोर करा दिया फाइव सेवन टेन नाइन एंड ट्वेंटी फाइव हमने कितनी वैल्यू स्टोर करा दी पांच वैल्यू स्टोर करा दी देखो पांच वैल्यू स्टोर करा दिया पर साइज कितना है हमारा टेन तो पांच के लिए क्या हो जाएगा वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो जाएगा बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स रिमेनिंग एलिमेंट्स सी प्लस प्लस कंपाइलर सेट टू द जीरो एंड दिस इज ए वेस्टेज ऑफ मेमरी जो देखो पांच आपने साइज कितने का लिया टेन और इसमें सेट कितने कराए आपने अलोकेट कितने कराए फाइव तो फाइव रिमेनिंग बच गए जो रिमेनिंग एलिमेंट बचते हैं उसमें ऑटोमेटिक सेट कर देता है जीरो सेट कर देता है तो आपने एरे बनाया दस के लिए और आपने यूज कितने किए पांच एलिमेंट तो पांच क्या हो गया आपकी वेस्टेज ऑफ आप मेमरी होगी अब ये देखो कैसे स्टोर करता है देखो मैंने बताया था आपको जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहां पर स्टोर होता है ए आर जीरो पर क्योंकि ए आर किसका है एरे के नाम एरे का नेम है फर्स्ट एलिमेंट कहां स्टोर होगा जीरो पोजिशन पर नेक्स्ट वन नेक्स्ट फर्स्ट पोजिशन पे उससे अगला सेकेंड पोजिशन पे थर्ड पोजिशन पे फोर्थ तो ये आर जीरो पर फाइव ए आर वन पे सेवन ए आर टू हमारा टेन ए आर थ्री पे नाइन एंड ए आर फोर पे हमारा ट्वेंटी फाइव तो अब देखो ये तो एक क्या होगी हमने हमें पता तो नहीं होता हम कितनी वैल्यू स्टोर कराएंगे अगर हमें इस ड्राबैक से बचना है तो हम एरे ऐसे डिक्लेयर करेंगे इंट ए आर या साइज खाली छोड़ देंगे तो आपने देखो यही वैल्यू स्टोर कर दिया तो ये ऑटोमेटिक साइज क्या ले लेगा ये साइज ले लेगा आपका फाइव साइज ले लेगा ऑटोमेटिक ये मेमोरी में एलोकेट करा देगा यहां पर ऑटोमेटिक फिट यहां पर फिट नहीं होगा मेमोरी के अंदर ऑटोमेटिक हो जाएगा भाई इस एरे के लिए इसने मेमोरी कितने की एलोकेट कराई है फाइव इस तरह भी आप अब क्या होगी जो आपकी वेस्टेज ऑफ मेमोरी थी आपने टेन लिया था और आपने यूज किया पांच एलिमेंट्स तो पांच क्या होगी दी आपकी वेस्टेज ऑफ मेमरी इस तरह आप अवॉइड हो सकते हैं वेस्टेज ऑफ मेमरी से एरे आपके एरे आपके वन डायमेंशन टू डायमेंशन एंड मल्टी डायमेंशन एरे आपके थ्री टाइप के होते हैं वन डायमेंशन जो मैंने आपको बताया ये ये आपका वन डायमेंशन है इस तरह वन डायमेंशन डिक्लेयर करते हैं टाइप एरे नेम और साइज फिर आपका टू डायमेंशन एंड मल्टी डायमेंशन आगे हम जब एरे का टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पर हम इनको डिस्क्राइब करेंगे कैसे आप वन डायमेंशन डिक्लेयर करते हैं कैसे उसको एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग इसके प्रोग्राम्स भी करेंगे कैसे एक्सेस करते हैं कैसे मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं इसी तरह टू डायमेंशन टू डी आपने सुना होगा मैट्रिक्स जैसे मैट्रिक्स का एडिशन मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स के साथ काम करेंगे मल्टी डायमेसन टू डायमेसन से ज्यादा थ्री डायमेसन फोर डायमेसन वो क्या कहलाती है आपकी मल्टी डायमेसन ये आज जो हम टॉपिक में कर रहे हैं वो ड्राइव डाटा टाइप कर रहे हैं ड्राइव डाटा टाइप में हम ये बता रहे हैं भाई ये आपकी डिफरेंट टाइप की आपकी ड्राइव डाटा टाइप है कल हम इंट्रोड्यूस करेंगे एरे आज हमने इंट्रोड्यूस किया है एरे कल हम इंट्रोड्यूस करेंगे जैसे क्लास स्ट्रक्चर फंक्शन पॉइंटर रेफरेंस ये सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्ट इंट्रो इंट्रोडक्शन कराएंगे फिर इनको अलग से हम डिस्क्राइब करेंगे विद जो इनकी प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग बाद के चैप्टर में हम क्या करेंगे इनकी प्रोग्रामिंग करेंगे आज के लिए इतना ही लेक्चर था कल हम नई वीडियो में लेके आएंगे आपको फंक्शन पॉइंटर ये सभी कुछ डिस्क्राइब करेंगे And thank you. Have a nice day.